जी धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, 6 बजने वाले हैं, सदन की इजाजत हो तो 2 घंटा समय इसका बढ़ा दिया जाए, ठीक है? श्री जी 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 असदुद्दीन ओवैसी जी। मोहतरम चेयरमैन साहब, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मुझे सदर जमहूरिया के खुतबे पर बोलने का मौका दिया। सर, मैं हज़्ब आदत और हज़्ब रिवायत उसकी मुखालिफत में खड़ा हूं, और सदर जमहूरिया के खुतबे को अगर आप देखेंगे सर, तो उसमें पूरे खुतबे में लफ्ज़ मुसलमान तो छोड़िए, लफ्ज़ अखलियत भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। और मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि भारत में 14% मुसलमान, जो आबादी के लिहाज से 17 करोड़ आते हैं, वो आज पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार में अपने आप को एक गैर यकीनी कैफियत में पाते हैं, अपने सोचते हैं कि हमारी शनाख्त को ख़तरा है, हमारे वजूद को ख़तरा है। और मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूँ कि आज 17 करोड़ मुसलमान अपने आप को ऐसा समझते हैं कि जिस ज़माने में, हिटलर के ज़माने में यहूदी अपने आप को समझते थे। और उसकी मैं बताता हूँ क्यों समझते हैं, बताता हूँ आपको चंद मिनट में। सर, मिसाल के तौर पर आप देखिए, खुतबे सदारत के हिस्से तहरीर का 32वां पैराग्राफ में ड्रॉप आउट रेट का जिक्र हुआ, स्कूलों में इंदराज यानी एनरोलमेंट का जिक्र हुआ, SCs का नाम लिया गया, STs का नाम लिया गया, OBCs का नाम लिया गया, लफ्ज़ अखलियत का नाम नहीं लिया गया, मुसलमान तो छोड़िए। और सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट इस मुल्क में अगर स्कूलों में है तो मुसलमानों में है, सबसे कम एनरोलमेंट अगर है तो मुसलमानों में, हायर एजुकेशन में। गवर्नमेंट का डेटा है सर कि मुसलमानों का जो स्टूडेंट ड्रॉप आउट है वो 14.42 से क्लास 1 से शुरू होता, और वो क्लास 6 और 8 को पहुँचे अब तक वो 10.76 को पहुँचता है। ये गवर्नमेंट का डेटा है, यानी क्लास 1 से क्लास 6 और 8 तक ये हाल है। आपने क्या किया सर इस बजट में, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को सिर्फ 9th क्लास तक महदूद कर दिया, और इसमें आपने पैसे कम कर दिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में। और सर, 2022-23 का बजट आप देखिए, 5,026 करोड़ रुपये दिए गए थे, जिसमें से सिर्फ 663 करोड़ इस्तेमाल हुए। अब आप आ जाइए सर, AISHE का डेटा है कि हायर एजुकेशन में मुसलमानों का 8.5 ड्रॉप आउट रेट हुआ है। 2020-21 में गवर्नमेंट का डेटा बता रहा है कि 1,80,000 मुसलमान हायर एजुकेशन में नहीं है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को आपने 423 करोड़ था, उसको आपने इस साल 326 कर दिया। मौन आज़ाद फेलोशिप को 45 करोड़ कर दिया। MCM जो 44 करोड़ था, 33 करोड़ कर दिया। बताइए, जो सबसे ज़्यादा जिसका कम्युनिटी का ड्रॉप आउट रेट है और जो हायर एजुकेशन नहीं, उससे आप ये बर्ताव करते हैं। सर, दूसरी बात यह है कि हम ये देख रहे हैं कि 10 साल में इस सरकार में कोई हद नहीं छोड़ी है गलत हुक्मरानी की, नफ़रतों को भड़काने की, कोई हद नहीं छोड़ी गलत फहमियों को फैलाने की, और कोई हद नहीं छोड़ी इस मुल्क के अवाम-ए-नास को तर्क करने की। इस 10 साल में हमने क्या देखा सर? जमहूरियत हमारे वतन अजीज की को बचाना बहुत ज़रूरी है, ये गरीबों के लिए और कमज़ोरों की एक बहुत बड़ी ताकत है, मगर 10 साल में, 9.5 साल में क्या हुआ? सिर्फ एक शख्स को मजबूत कर दिया गया, एक मज़हब को मजबूत कर दिया गया, एक आइडियोलॉजी, एक नज़रिए को मजबूत कर दिया गया, एक शनाख्त को सब शनाख्त के आगे दूसरी शनाख्तों को मिटाने की कोशिश की गई, एक ज़बान को मजबूत कर दिया गया, तो हमारी जमहूरियत तो खोखली हो चुकी है। और सर, कोई भी हुकूमत और पार्टी सिर्फ जबर और इस्तेसाल पर कायम नहीं रह सकती है सर। दूसरा पॉइंट सर, जो मैं आपके सामने अर्ज करना चाह रहा हूँ, CAA के कानून के ताल्लुक से मरकजी एक वजीर ने अखबार में बयान दिया कि हम 8 दिन में करने वाले हैं। आप 8 दिन में करेंगे, 8 दिन में एहतजाज शुरू होगा मुल्क के कोने कोने में। आप CAA को मजहब से ख़त्म कर दीजिए,
मजहब से जोड़ेंगे तो आपका इरादा बुरा है। आप भारत की अकलियतों को, भारत के मुसलमानों को, दलितों को आप परेशान करने का आपका इरादा है। सर दूसरी बात यह है कि CAA के खिलाफ क्यों हमें, क्योंकि सीमांचल के मुसलमान को आप बांग्लादेशी कहते हैं। कोई मिनिस्टर मुझे कहता है कि घुसपैठी है, रोहिंग्या है, तो CAA को मजहब से जोड़ना गलत था, उसको निकालिए। मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री सर, वतन अजीज के वजीर आजम, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मुझे, मैं अपने बचपने में जब हिस्ट्री पढ़ता था तो मैंने एक स्टैचू की फोटो देखी थी, प्रीस्ट किंग ऑफ मोहनजोदारो। ऐसा लगता है कि वैसा ही लग रहा है कि प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि पुजारी सम्राट बन चुके हैं वो। और मैं क्यों कह रहा हूं कि हमारे सदर जमहूरिया ने कहा था कि 22 जनवरी एक तारीखी दिन है, बिल्कुल तारीखी दिन है। 22 जनवरी की बुनियाद 6 दिसंबर 1992 को रखी गई, 22 जनवरी की बुनियाद 86 में ताले खोलकर रखी गई, 22 जनवरी की बुनियाद GB पंत ने रखी थी, इसीलिए तारीखी दिन है। और तारीखी दिन इसलिए भी है कि सर इसी ऐवान में 16 दिसंबर 1992 को हमने एक रेजोल्यूशन पास किया था। आप बताइए कि आज इस मुल्क में चाहे कोई सेकुलर पार्टी का हो या जो भी हो, वाले सब सेकुलर है, बुरा मैं हूं, किसी में हिम्मत नहीं है कि 6 दिसंबर की बात की जाए। और वो तारीखी दिन इसलिए भी है सर, इंसाफ करने वालों में एक NCLT के चेयरमैन, एक गवर्नर और एक नामजद शुदा रुकने पार्लियामेंट बैठे हुए थे। अब आप बताइए मेरे पास बचा क्या है, बचा यह है कि आर्टिकल 32 बचा है जिसको बाबा साहब अंबेडकर ने दिया। आज मुल्क के 17 करोड़ मुसलमान भारत के वजीर आजम पर एतमाद भरोसा नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, बता रहा हूं, खुल के कह रहा हूं। अगर आप आर्टिकल 32 का ड्यू प्रोसेस ही खत्म कर देंगे तो फिर मेरे पास क्या बचेगा सर, क्या बचेगा? मैं तो यहां खड़े होकर वो सुप्रीम कोर्ट के मायानाज बेबाक वकील दुष्यंत देवे की तरह तो नहीं कह सकता। मुझे आज भी रूल ऑफ लॉ में भरोसा है, मुझे आज भी कानून पर, संविधान पर भरोसा है, मगर ड्यू प्रोसेस तो फॉलो होना चाहिए, ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा। एक तारीखी दिन 22 जनवरी था, एक तारीखी दिन 31 जनवरी था। सर रात के अंधेरे में अपील किए बगैर आप आरे लेकर रास्ता खोल देते हैं, क्या पैगाम दे रहे हैं सर? 600 साल की मेहरौली की मस्जिद को बगैर को नोटिस दिए आपने डिमोलिश कर दिया। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार भारत के मुसलमानों से उनकी शनाख्त को छीनना चाहते हैं। ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर चादर बिछाइए, मगर आप जो चादर मुझसे छीनना चाह रहे हैं, मेरी मस्जिद है, आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। आप बताइए 17 करोड़ मुसलमानों को क्या पैगाम दे रहे हैं आप, कि आप हर मस्जिद को छीन लेंगे मुझसे? फिर मेरा वजूद किस माने रखता है, मेरा शनाख क्या माने रखता है, रूल ऑफ लॉ क्या माने? अच्छा 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर क्यों नहीं बोलते आप लोग? आप उस पर कायम है नहीं है? आप 500 साल की बात करते, मैं आपसे कहता हूं भाई 500 साल पे मत जाइए, बौद्ध पे जाइए, जैनिज्म पे जाइए, शैविज्म पे जाइए, कहां रुकेंगे? अरे इस देश को आजादी मिली 47 में, संविधान मिला हमको बाबा साहब अंबेडकर का, बराबरी का, उससे पहले तो राजा रजवाड़े थे, जमहूरियत नहीं थी, लोकतंत्र नहीं था, मगर आप उसको उस बारे में लेके जाते, अरे 500 साल आगे क्या होगा बताइए? आप किसी एक सिविलाइजेशन, सर अंग्रेजी में किसी ने कहा था सिविलाइजेशन कैनॉट बी रिटन बाई हेट्रेड, हिस्ट्री कैनॉट बी करेक्टेड बाई डेमोलिशन, आप ये नहीं कर सकते। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब मौर्ख तारीख लिखेगा, नरेंद्र मोदी इस मुल्क में तारीख लिखना चाहते हैं, क्या तारीख लिखना चाहते हैं, कि मैंने इस देश को, गांधी अंबेडकर के देश को मैंने हिंदू राष्ट्र बना दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे भारत के हमारे हिंदू भाई देश के प्रधानमंत्री की सोच को नाकाम करेंगे, उन पर है, अब देखते हैं क्या होता है। सर नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी है, नेबरहुड फर्स्ट क्या हो रहा है सर? हम सोशल मीडिया के जरिए फॉरेन पॉलिसी चला रहे हैं। मालदीव छोटा मुल्क, वो हमको आंख दिखा रहा है, चीन की गोद में बैठ गया। हमारे लद्दाख में हमारे जो लोग जानवर को लेकर घास चराने जाते, वहां पर चीन की आर्मी आके रोक रही, बताइए। बांग्लादेश चीन की गोद में बैठा हुआ है, आप गैलेंट्री अवार्ड दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? कि चीन बैठा हुआ है, तो आपका बफर जोन गया कहां भाई साहब? आपका बफर जोन तो कहां गया नहीं मालूम, गायब हो गया बफर जोन। और दूसरी बात सर, आप यह भी देख लीजिए कि यहां पर मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ही बताना चाह रहा हूं सर। ये हम बोलते हैं इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, कितना पैसा है बताइए, वो नहीं बताया जाता। अच्छा सर, सबसे तकलीफ दे बात मेरे लिए है कि भारत ने यूनेस्को का इलेक्शन पाकिस्तान से हार गया, हम पाकिस्तान से हार गए, ये आपकी फॉरेन पॉलिसी है,
यूनेस्को के इलेक्शन पाकिस्तान से हार गए। अच्छा, मामला इसराइल का, फलस्तीन का, गाजा का आया, अक्टूबर में 10,000 लोग मर गए, हमने यूएन में सीज फायर की तायद नहीं की। दिसंबर आया, 20,000 मर गए, तो हमने तायद कर दी। क्यों तायद की? क्योंकि ग्लोबल साउथ को हमको फॉलो करना पड़ रहा, भारत ग्लोबल साउथ को फॉलो कर रहा है। मिले तकलीफ दे बात है, ये आपकी नाकामी का बहुत बड़ा सबूत है। इसीलिए हम बता रहे हैं कि ये सरकार की बहुत से नाकाम। सर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आखिरी पॉइंट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सर आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, सर 81 में एक्ट पास हुआ, हमारा लॉ ऑफिसर कोर्ट में कहता है कि मैं पार्लियामेंट के एक्ट को नहीं मानता। कैसे नहीं मानते सर? क्या नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट को नॉमिनेट किया या पार्लियामेंट ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, बताइए? 81 के एक्ट को नहीं मानते सर। दो ही तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है मुसलमानों के, 1,80,000 आप ही के सरकार के दौर में मुसलमान हायर एजुकेशन निकल गए, आप अलीगढ़ मुस्लिम से छीनना चाह रहे हैं। थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स में एग्जीक्यूटिव हमको डिक्टेट करेगा, मेरी आवाज तो पार्लियामेंट है, अब मेरी आवाज के खिलाफ एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट में बोलता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इतनी नफरत क्यों है आपको? वहां पर तो हिंदू भाई भी पढ़ते हैं सर। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला है सर। तो मैं आपसे इस बात पर, इस शेर पर अपनी बात को खत्म कर रहा हूं सर। आप भी उर्दू दा हैं जी, मसीहाओं को जब भी आवाज दी है, अहमद फराज का शेर है जी जी, मसीहाओं को जब भी आवाज दी है पलट कर आ गए हर बार खातिल, मसीहाओं को जब भी आवाज दी है पलट कर आ गए हर बार खातिल, वहां क्या दाद खाही क्या गवाही, वहां क्या दाद खाही क्या गवाही, जहां हो मुंसिफों के यार खातिल। सर मैं फिर से हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि अल्पसंख्यक समाज के बजट के स्कॉलरशिप को आप डिमांड ड्रिवन करिए, भारत के प्रधानमंत्री प्रधान सेवक रहिए, आप कोई प्रीस्ट किंग मत बन जाइए। आप जीतेंगे, कौन जीतेंगे देश तय करेगा, मगर याद रखिए 17 करोड़ मुसलमान आज गम और गुस्से में हैं और इस बात को महसूस कर रहे हैं, इस बात को महसूस कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को हम नोट नहीं दिए, मगर हमारा प्रधानमंत्री है। आखिर ये प्रधानमंत्री 17 करोड़ मुसलमानों की उनकी शनाख्त को कैसे मिटा रहे हैं, कैसे उनको आप मार्जिनलाइज कर रहे हैं? इसीलिए सर मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सेकुलरिज्म जो है वो, मैं पॉलिटिकल सेकुलरिज्म कभी नहीं माना, जो सेकुलरिज्म संविधान में लिखा गया उसकी हिफाजत करेंगे, मुल्क अहम है। वरना याद रखिए आप चुनाव जीते हैं हारे, मगर अगर आप 17 करोड़ एक जनता को आप गैर यकीनी कैफियत पैदा कर देंगे, ये देश के हित में नहीं होगा। बल्कि हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि ड्यू प्रोसेस अदालत फॉलो करेगी, अदालत अगर एक तरफा फैसले करेगी तो गलत होगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया श्री।